हेलो दोस्तों, 140 वर्ड में अपना मैसेज डिलीवर करना काफी मुश्किल काम लगता है। कुछ याद आया? जी हाँ, ट्विटर। आज हम बात करेंगे ट्विटर की, जिसमें मैं आपको ट्विटर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। ट्विटर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? प्रोफेशनल्स, सेलिब्रिटीज, रीट्वीट या हैशटैग? आज मैं आपको इसी के पीछे की कहानी बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वैसे तो इस तरह की पॉपुलर सर्विस बनाना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन हम उस इंसान की बात करेंगे जो शुरू से लेकर एंड तक साथ रहा हो। और ट्विटर के केस में ये नाम है जैक डॉर्सी का, जो कि ट्विटर के मौजूदा सीईओ भी हैं। ट्विटर की शुरुआत 21 मार्च 2006 में हुई, जब जैक डॉर्सी ने अपना पहला ट्वीट लिखा, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। 15 जुलाई 2006 में ऑडियो कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए ट्विटर सर्विस की शुरुआत की गई। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ऑडियो कंपनी एक पॉडकास्टिंग कंपनी है। जब ट्विटर स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम ट्विटर नहीं था, ट्विटर था। बाद में इसका नाम ट्विटर से ट्विटर कर दिया गया, लेकिन मैं बता दूं इसमें भी 6 महीने का वक्त लगा। क्या आप जानते हैं एक ट्वीट की लिमिट 140 क्यों होती है? क्या आप जानते हैं ट्विटर को SMS ऑफ इंटरनेट क्यों कहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। SMS सर्विस 160 कैरेक्टर की लिमिट पे बेस्ड है, मतलब कि अगर आपको एक SMS लिखना है तो आपको 160 कैरेक्टर मिलेंगे जिसमें आप अपना पूरा मैसेज लिख सकते हैं, और ट्विटर में ये 140 होता है। सो दोनों में एक रिलेशन है। 20 कैरेक्टर यूजर नेम के लिए होता है और 140 कैरेक्टर मैसेज के लिए होता है। अगर इनका टोटल देखें तो 160, मतलब कि 160 कैरेक्टर, और इसीलिए ट्विटर को SMS ऑफ इंटरनेट कहते हैं। आप में से जो भी लोग ट्विटर यूज करते हैं वो हैशटैग के बारे में जरूर जानना चाहते होंगे, तो चलिए मैं आपको हैशटैग के पीछे की कहानी बताता हूँ। हैशटैग 23 अगस्त 2007 में फर्स्ट टाइम ट्विटर में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे क्रिस मेसीना ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब हैशटैग यूज हुआ। इससे पहले 1980s और 1990s में जब चैट रूम हुआ करते थे, तब हैशटैग यूज होते थे। अब बात आती है हैशटैग यूज करते क्यों हैं। जब भी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं तो कन्वर्सेशन में हम हैशटैग यूज करते हैं। इससे उस कन्वर्सेशन में उस टॉपिक पे बात करने वाले के लेटेस्ट कमेंट हमें शो होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हैंग टैग किसे कहते हैं? जब भी हैशटैग को एम्प्टी यूज करते हैं या उसके साथ कोई कीवर्ड नहीं होता, अकेला हैशटैग होता है, तो उसे हैंग टैग कहते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी ट्विटर यूज किया होगा, उन्होंने ट्विटर के लोगों को बहुत ध्यान से देखा होगा। ट्विटर के लोगों में एक बर्ड बना है, क्या आप जानते हैं उस बर्ड का नाम क्या है? उसका नाम है लैरी बर्ड। अब ये नाम आया कहां से? ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने बताया कि ट्विटर का जो लैरी बर्ड है वो इंस्पिरेशन है अमेरिका के एक बास्केटबॉल प्लेयर की, जिनका नाम था लैरी बर्ड। 2006 में स्टार्ट हुए ट्विटर के 319 मिलियन वर्ल्ड वाइड यूजर हैं, जो कि किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के सबसे ज्यादा यूजर में आते हैं। और इंटरनेट की 66% आबादी ऐसी है जिसने अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ना एक ट्वीट तो किया ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतनी अच्छी सर्विस होने के बावजूद भी ट्विटर चाइना में बैन है। फिर भी ट्विटर के चाइना में 10 मिलियन यूजर्स हैं, जो चाइनीज गवर्नमेंट और लॉ को ताक पे रख के ट्विटर यूज करते हैं। ट्विटर में सिर्फ 4000 एम्प्लॉय हैं, जो ट्विटर के 319 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स को हैंडल करते हैं। इतने कम एम्प्लॉय होने के बावजूद भी ट्विटर ने अपने शुरुआती 3 सालों में कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, और 2013 में ही सिर्फ इसने प्रॉफिट जनरेट किया। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया वो ट्विटर से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पर अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। हर दिन ट्विटर में 500 मिलियन ट्वीट्स होते हैं, पर क्या आप जानते हैं ट्वीट करने का सबसे सही टाइम कौन सा है? सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। वैसे तो ट्विटर में बहुत सारे ट्वीट्स होते हैं, पर क्या आप जानते हैं ट्विटर को कितना टाइम लगा 1 बिलियंथ ट्वीट तक पहुंचने में? 3 साल 2 महीने 1 दिन। ट्वीट करते टाइम इमोजिस तो हर किसी ने यूज किए होंगे, पर क्या आप जानते हैं ट्विटर में सबसे ज्यादा कौन सी इमोजिस को यूज किया गया है? टीयर ऑफ जॉय।
15 बिलियन ट्वीट्स में इसको यूज किया गया है। ये सवाल हर किसी के दिमाग में आया होगा, सबसे ज्यादा फॉलोइंग ब्रांड कौन सा है ट्विटर पर? तो इसका आंसर है YouTube, जिसके आज की डेट में 65 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल दिल बोले ऑसम को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।